सद गुरु प्यारे के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके बाके बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रास बिहारी के हम हो चुके सद गुरु प्यारे के हम हो चुके सद गुरु प्यारे के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण भागवत कथा अमृत वर्षा के आज हम लोग प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रेम से बोलो राधे राधे। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं।
और जा रहे गांव की राजा खेड़ा की इस कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं। देखो भगवान की कथा में केवल वही आता है या उसी का तन से मन से धन से या श्रवण के माध्यम से या पाठ के माध्यम से या पूजा के माध्यम से उसी का सहयोग होता है जिसके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा करुणा होती है। भगवान की कृपा करुणा के बिना भगवान की कथा में सम्मिलित होना या आना ये संभव नहीं है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कथा के बिना हमारे अंदर विवेक तो है लेकिन उस विवेक की जागृति नहीं होती, और भगवान की कृपा के बिना हमें न सत्संग मिलता है और ना ही भगवान की कथा मिलती है। तो कहने का भाव मुड़ीसा वाले बाबूजी, कहने का भाव यही है कि आज यदि हम लोग इस कथा के पांडाल में बैठे हैं, वो चाहे कथा करने के माध्यम से हो, चाहे श्रवण के माध्यम से हो, या हमारे आचार्य ब्राह्मणों का पाठ पूजन का एक बहाना हो, या हमारे संगीतज्ञों का वाद्य यंत्रों को बजाना एक बहाना हो, बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा के पांडाल में बैठना या आना संभव नहीं है। तो आज निश्चित ही हम सभी के ऊपर भगवान की अहेतु की माने भगवान का कोई हेतु नहीं, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन फिर भी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु हमारे ठाकुर श्री रमण बिहारी बांके बिहारी रास बिहारी की कृपा हम सभी के ऊपर हुई है, और आज इस कथा की दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा हुई। मंगल कलश शोभा यात्रा में कितनी माता बहन भाई बंधुओं ने हजारों की संख्या में भाग लिया, छोटी छोटी भगवती कन्याओं ने अपने सिर पर कलश उठाए, और बिचारी आज प्रातः काल से ही व्रत करने के माध्यम से उन्होंने अपनी इस साधना को सफल किया। कलश यात्रा में छोटी छोटी कन्याओं ने कलश उठा करके इस कथा की यात्रा में मंगल कलश यात्रा में चार चांद लगाए, और हमें भी वैसे तो रथों में हमने बड़ी यात्राएं करी हैं, बुग्गियों में घोड़ा बुग्गी में भी बड़ी यात्राएं करी हैं, और भक्तों के साथ पैदल चलते हुए भी भागवत की बहुत सारी मंगल कलश यात्राएं की हैं, लेकिन भैया यहाँ तो सीधे घोड़ी पे ही चढ़ गए हम। घोड़ी पे बैठ करके जीवन में पहली बार हमने यात्रा की है, बड़ा आनंद आया। घोड़ी पे बैठ करके आप सब लोग आगे चल रहे थे तो आप सभी को देखते हुए हमें अति आनंद हो रहा था, उत्साह हो रहा था, मुस्कुरा भी रहे थे और मन में थोड़ी शंका भी थी कि ये जो पटाखे चल रहे हैं कहीं ऐसा न हो भैया घोड़ी भिदक जाए और लेकर के कहीं खेत में भाग जाए। लेकिन ठाकुर जी ने
घोड़ी को भी संभाला, हमें भी संभाला और आप सबको भी संभाला। और बड़े आनंद से घोड़ी पर लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हम तय करते हुए आप सभी के पीछे पीछे चले आए, तो ये भी एक जीवन का आनंद है, ये भी एक हर्षोल्लास है, मस्ती है, जीवन की यादगारी है। तो कहने का भाव ये है कि सरपंच साहब, आज बड़ी दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा हुई और हम सभी माता बहनों ने इसका परम लाभ लिया। अभी हमारी 108 छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाएं जिन्होंने मंगल कलश यात्रा करी, अभी उन्हें कुछ प्रसाद पवाया जा रहा है और प्रसाद पाकर के सब भगवतियां कथा पांडाल में आ जाएंगी और फिर बड़ा आनंद होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो आज कथा का प्रथम दिवस है और कथा के प्रथम दिवस में हमें केवल भगवान की कथा की महिमा को जानना होता है, केवल भगवान के बारे में हमें जानना होता है। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप भगवान की कथा के बारे में जानोगे नहीं, भगवान के बारे में आप जानोगे नहीं, तब तक ना तो आप भगवान की कथा को मानोगे और ना ही आप भगवान को मानोगे। तो आज हम आपको जनाएंगे कि भगवान की कथा आखिरकार है क्या। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान की महिमा क्या है। श्रीमद् भागवत कह रही है कि तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात श्रवणात पाठात दर्शनात पापनाशिनी। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, देखो भैया ये कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं, कोई पत्रा नहीं, कोई पुस्तक नहीं। चश्मा वाले बाबूजी आपको सही सही सुनाई दे रहा है, आवाज आगे पीछे सभी को साफ साफ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो ये भगवान की कथा कोई साधारण कथा नहीं। तेने यम वांग्मयी मूर्ति माने भगवान का ही दूसरा स्वरूप है, जो के वाणी के माध्यम से जिसका दर्शन किया जाता है और न केवल दर्शन किया जाता है अपितु श्रवण के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में पधारते हैं। और जब भगवान हृदय में जाते हैं तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरोहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सर। भगवान जब हमारे हृदय में जाते हैं तो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या इन सब की बढ़िया धुलाई करते हैं। और धुलाई करने के बाद क्या होता है? धुलाई चाहे शरीर की हो और चाहे वस्त्र की हो या अंदर बाहर की हो, धुलाई करने के बाद हमारे अंदर स्वच्छता निर्मलता आ जाती है। जैसे कपड़ा धोने के बाद एकदम सुंदर निर्मल हो जाता है, ऐसे ही कथा जब हमारे जीवन में आ जाती है या कथा रूपी भगवान जब हमारे हृदय में कान के माध्यम से पधार जाते हैं तो मैया फिर हमारा हृदय भी पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और भगवान श्री राम भी कह रहे हैं,
निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्रन भावा। तो भगवान को भी यदि तुम्हें अनुभव करना है या भगवान का दर्शन करना है तो फिर तुम्हें अपना हृदय तो भैया निर्मल बनाना ही पड़ेगा। तो तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अब आप अपने हृदय में ऐसी भावना लाएं कि श्रीधाम वृंदावन से चल करके संत ब्राह्मणों के रूप में हमारे बांके बिहारी जी ही कथा के रूप में चल करके आए हैं और श्रीधाम वृंदावन से आए हैं तो निश्चित ही आपको वृंदावन के रस की वृंदावन के ठाकुर की अनुभूति होगी, बड़ा ही आनंद होगा। अभी तो केवल शुभारंभ है, अभी तो केवल शुरुआत है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी चलेगी वैसे वैसे हमें एक नया रंग, एक नया उत्साह, एक नया उत्सव, एक नया आनंद रस देखने को और सुनने को मिलेगा। तो तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये वांग्मय भगवान का हमेशा हमें सेवन करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, सेवनात् श्रवणात् पाठ भी करना चाहिए। जब जब हमें समय मिले तो घर में बैठ के श्रीमद् भागवत का हमें पाठ भी करना चाहिए। लेकिन महाराज क्या करें, सेवन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, श्रवण करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, पाठ करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। तो फिर महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहां तक छूट दे दी है कि भैया दर्शनात् पापनाशिनी, यदि कहीं कथा हो रही है, यदि कहीं कथा चल रही है तो आप वहां जाकर के केवल 10 मिनट 5 मिनट कथा में बैठ के माथा टेक करके प्रणाम करके चले आओ। यदि इतना भी समय आपके पास नहीं है फिर तो आपके मानव जीवन को निश्चित ही धिक्कार है। तो फिर आप अपने मानव जीवन में कर क्या रहे हैं कि आपके पास 10 मिनट का भी समय नहीं है कि गांव में, नगर में, शहर में भगवान की कथा हो रही है और आपके पास इतना भी समय नहीं। चलो ठीक है, सेवा करने के लिए समय नहीं है, पाठ करने के लिए समय नहीं है, श्रवण करने के लिए भी समय नहीं है, तो भैया कम से कम दर्शन करने के लिए जाके माथा टेकने के लिए तो समय होना ही चाहिए। और यदि इतना भी समय हम भगवान को नहीं दे सकते, यदि इतना भी समय हम भगवान की कथा को नहीं दे सकते तो फिर हमारा जीवन निरर्थक है, बेकार है, फिर हमारे मानव जीवन को धिक्कार है। फिर तो हमसे अच्छे ये कीट पतंगे पशु पक्षी हैं कि जो मनुष्य नहीं है लेकिन फिर भी उनके कानों में भगवान की कथा तो जा ही रही है। भगवान की कथा यदि किसी कीट पतंगे पशु पक्षी नर नारी किसी के भी कान में चली जाए महाराज, उसी का कल्याण करने वाली है, उसी का मंगल करने वाली है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बड़े आनंद की बात है, इस कथा का
हम लोग श्रवण करें, सेवन करें, पाठ करें और इस कथा का दिव्य दर्शन करें। श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि सुई क्रतोस मया नाथ मुक्त्यर्थम् भवसागरे। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात भगवान हैं। केवल हमें स्वीकार करना है, केवल हमें भगवान को जान करके मानना है। सुई क्रतोस मया नाथ, ये मेरे नाथ हैं, ये मेरे दीना नाथ हैं, ये प्राण नाथ हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे मालिक हैं, ये भगवान हैं। तो सुई क्रतोस मया नाथ, यदि आपने इतना स्वीकार कर लिया तो भैया हम गारंटी दे रहे हैं कि मुक्त्यर्थम भवसागरे, तुम्हारा इस भवसागर से कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा इस भवसागर से उद्धार हो जाएगा। देखो जीवन में हमें वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण भागवत नहीं आती तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, यदि ये तीन चीजें भी हमारे जीवन में आ गई तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन महाराज इन तीनों चीजों में से भी हमारे जीवन में एक भी चीज कोई ठीक से नहीं रह पाती, न तो हम जिम्मेदार हैं किसी भी कार्य के प्रति और ना ही हमारे जीवन में ईमानदारी है। ईमानदारी का ढिंढोरा हम लोग कब तक पीटते हैं, जब तक हमें कहीं से माल नहीं मिलता है, और जैसे ही माल मिला, कहीं रुपयों से भरी बोरी मिली, कहीं रुपयों से भरा झोला मिला, तो उस झोले को उठा करके फिर कौन कहता है कि भैया मुझे ये 5 लाख रुपए मिले हैं, तो यदि किसी के हो तो आ जाइए और ले जाइए। तो ये ईमानदारी का ढिंढोरा भी हम लोग केवल तभी तक पीटते या कूटते हैं जब तक हमें माल नहीं मिलता है। किसी को रास्ते चलते हुए सोना मिल जाए तो ईमानदार वो है कि वो ढिंढोरा पीटे कि भैया हमें सोने की अंगूठी मिली, सोने का हार मिला, सोने की लर मिली, तो भैया यदि किसी की हो तो हमसे ले जाओ। वो है ईमानदार। ईमानदार वो नहीं है कि 10 का नोट मिला और धीरे से उठा के रख लिया जेब में और ढिंढोरा पीट रहे हैं या छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि हम हैं ईमानदार। तो ईमानदारी ये है, हम खीर नहीं खाते साहब। अरे भैया तू खाएगा कहां से जब तुझे खीर मिल ही नहीं रही है। हम तो उस दिन मानेंगे कि तू खीर नहीं खाता है जिस दिन बढ़िया चकाचक प्योर दूध की रबड़ी जैसी घुटी हुई खीर मिले और फिर भी तू न खाए, तो फिर माना जाएगा कि हाँ भाई तू खीर नहीं खाता है। अब खीर मिल नहीं रही है और सारी दुनिया में चिल्ला रहे हैं कि हम खीर नहीं खाते, हम खीर नहीं खाते, हम खीर नहीं खाते। तो ईमानदारी वो है कि किसी को कुछ मिल जाए किसी का, तो वो खूब हल्ला करे, खूब ढिंढोरा पीटे, सारी दुनिया को बताए कि भैया हमें ये घड़ी मिली है, पर्स मिला है, ये रुपयों से भरा हुआ बैग मिला है, तो जिसका हो ले जाओ। ये है ईमानदार। ऐसा ईमानदार मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् तत्सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः
ऐसा तत्व ज्ञानी जो भगवान को जानने वाला है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा विवेकवान पुरुष तो भैया इन मनुष्यों में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि करोड़ों में कोई एक होता है सरपंच जी, करोड़ों में कोई एक, लेकिन कहने वाले सब हैं कि हम हैं ईमानदार। तो तुम्हें भागवत नहीं आती तो बड़ी बात नहीं, जीवन में ईमानदारी धारण कर लो, कल्याण हो जाएगा। अरे अपने काम के प्रति जिम्मेदारी धारण कर लो कि मेरा जो काम है, चाहे जमीन फट जाए, आसमान टूट जाए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेरा जो काम है मुझे उसमें अपना 100% दे करके वो कार्य जो है करना है। बाकी पूरा होना न होना ये विधाता के हाथ में है, ये भगवान जाने। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मुझे वो कार्य करना है, तो ये है जिम्मेदारी। और तीसरी है वफादारी। हमारे ऊपर यदि किसी ने भी विश्वास किया है, वो चाहे एक फूटी कौड़ी का किया है और चाहे अरबों खरबों या करोड़ों का किया है, हम कभी भी विश्वासघात न करें, हम कभी भी किसी को धोखा न दें, छल कपट दंभ पाखंड न करें, ये है वफादारी। तो भैया ये तीन चीजें भी यदि हमारे जीवन में आ जाए, और चलो छोड़ो ये तीन भी ना आए, केवल इन तीनों में से एक भी चीज हमारे जीवन में आ जाए तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तो उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तो उतर जाएगी, कृष्ण के नाम का जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो भैया ये भागवत तो जो है कृष्ण के नाम का जाम है, ये तो भगवान के नाम का जाम है। यदि आप ठीक से 7 दिन इस जाम को पी लोगे तो देखो हमें विश्वास है, जो यजमान परिवार इस कथा को करा रहा है उनके जीवन में तो बहुत कुछ बदलाव आएगा ही, लेकिन जो कथा सुनने के लिए आए हैं या आएंगे अगले 6 दिनों में, उनके जीवन में, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में इस कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि हमें विश्वास है कि हम यहाँ भगवान की कृपा से और ऐसा जाम पिला के आपको जाएंगे कि आप स्वयं कहेंगे कि महाराज हमारे क्षेत्र की ये कथा जो है ऐतिहासिक कथा है, ऐसी कथा हमने अपने जीवन में नहीं सुनी, ये हम अपनी विद्वत्ता का या अपनी वाणी का या अपनी शैली का अहंकार करके नहीं कह रहे, अपितु हमें हमारे ठाकुर जी पर, हमें हमारे भगवान पर पूर्ण भरोसा है कि वो आपको अपने नाम का, अपनी कथा का ऐसा जाम पिलाएंगे कि आप जो है याद करते रह जाओगे, महाराज भगवान का नाम जो है गुणगान करते रह जाओगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए आज प्रथम दिवस है,
तो भगवान की कथा का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले हम हमारे गौरा मैया के लाल को, भोले बाबा के लाल को हम लोग श्री गणेश जी महाराज को मनाते हैं। श्री गणेश जी महाराज का वंदन करें, क्योंकि हमारे श्री गणेश जी महाराज सर्व मंगलों के कर्ता हैं और समस्त अमंगलों के हरता हैं। यदि हमारे गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे तो कथा में बड़ा ही आनंद आएगा। प्यारे लगे
लड्डू पेड़ा चढ़ाऊं, भोग लगाऊं लड्डू पेड़ा चढ़ाऊं, भोग लगाऊं लड्डू पेड़ा चढ़ाऊं, भोग लगाऊं लड्डू पेड़ा चढ़ाऊं, संग में शंकर घोरा बनाऊं, 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 मेरी जय हो गौरी गणेश गजानन प्यारे लगे, मेरी जय हो गौरी गणेश गजानन प्यारे लगे, मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश गजानन प्यारे लगे, मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश गजानन प्यारे लगे। प्यारे लगे जग से प्यारे लगे, मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश गजानन 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 प्यारे लगे। महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। स्वकीयं यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। देखो कली काल में भक्तों का
उद्धार करने के लिए कली काल में सज्जनों का, भगवान के प्रेमियों का कल्याण करने के लिए ही भगवान ने ये वांगमय रूप धारण किया है। माने भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में परिणित हो गए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो देखो जैसे आज जारह पिंड में हमारे बंटी भाई और रिंकू भाई और इनके माता पिता और उनके भाई बंधु और सारे परिवारीजन, जिनके माध्यम से, जिनके मुख्य आयोजकत्व में, जिनकी मुख्य यजमानी में ये श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ जो है चल रहा है या संपन्न हो रहा है, ठीक ऐसे ही महाराज नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि रहते और ऋषि मुनि सब सद गृहस्थ संत हैं, जिनके बाल गोपाल भी हैं और धर्म पत्नियां भी हैं, तो घर के कार्य भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। तो जब जब भगवान का भजन करने माला लेकर के बैठते हैं, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, बड़ा पवित्र होता है, लेकिन कई लोग इतने ज्यादा अपने आप को विद्वान, कई लोग इतने ज्यादा अपने आप को महान समझते हैं कि हमसे बड़ा पंडित और कोई नहीं है, हमसे बड़ा विद्वान और इस दुनिया में कोई नहीं है, हमसे बड़ा कलाकार इस दुनिया में कोई नहीं है। तो महाराज वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं, लेकिन विद्वत्ता का तो ज्ञान हमें तभी होता है जब हम विद्वानों में शास्त्र के अनुसार शास्त्रार्थ करने के लिए जब 10 लोग बैठते हैं और हजारों लोग सुनते हैं, तब पता लगता है कि कौन विद्वान है, कौन कितना कलाकार है, कौन कितना महान है। संत कोई भी हो, कैसा भी हो, संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है। वो विद्वान हो या न हो, बहुत पढ़ा लिखा हो या न हो, लेकिन यदि संत का चोला धारण किया है तो संत का चोला धारण कर लेने मात्र से ही संतत्व के कुछ संस्कार, चाहे वो कुछ अंश के रूप में ही सही, लेकिन उसके अंदर महाराज आ जाते हैं और उन्हीं संस्कारों की बदौलत उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, कोमल हो जाता है। कवियों ने कहा भी है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहिन जाना, निज पर ताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो और कवियों से भी बहुत आगे निकल गए। अरे भैया, ये तो कवियों ने कहा है कि संतों का हृदय जो है मक्खन की तरह नरम या मुलायम होता है, या सहज या सरल होता है, लेकिन कवि लोग ठीक से कह नहीं पाए, क्योंकि मक्खन को ठंड लगेगी तो जम करके पत्थर हो जाता है और गर्मी लगेगी तो पिघल करके बह जाता है। तो मक्खन को किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संतों का स्वभाव महाराज ऐसा होता है कि उनके अपने जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कितने भी दुख दर्द क्लेश संकट आ जाएं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते। और यदि
कोई भाई बंधु, कोई माता बहन किसी संत के पास जाकर के आंखें भर लाई, आंखें नम करके कहने लगी, महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ या मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे जीवन के इन कष्टों का हरण करो महाराज, कोई उपाय बताओ। तो निश्चित ही संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, लेकिन सत्य मानो यदि कोई दुखहारा या दुखहारी देख ली तो उसी समय संत का हृदय जो है पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, बहने लगता है। और फिर संत भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मुझे आप थोड़ा सा दुख और दे दो, लेकिन इस देवी का या इस सज्जन का जो है आप दुख दूर करो, आप इसके दुख का हरण करो, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो मुझे आनंद मिलेगा। तो संत हृदय नवनीत समाना, नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर ये जो 88,000 ऋषि मुनि रहते, ये सब संत हैं, और संतों के हृदय में ही ये कामना या भावना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारी दुनिया में जितने जीव हैं सब सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया, सारी दुनिया में जितने भी जीव हैं सब जो है निरामया रहे, हर तरह की माया से रहित रहे, माया के चक्कर में न पड़े, संसार का व्यवहार निभाते रहे, और संसार में जितने भी जीव हैं सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवत कार्य में व्यस्त रहे, और इन्हें कभी भी शारीरिक कष्ट न हो, इन्हें कभी कोई हारी बीमारी न हो, और ये अपने मानव जीवन का कल्याण करें। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये संतों की भावना होती है। तो नैमिषारण्य में रहने वाले उन सभी संतों के हृदय की भावना, उन संतों के हृदय में ये भाव आया कि देखो भैया, हमारा अपना कल्याण तो हो ही जाएगा, भजन के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, योग प्राणायाम प्रत्याहार के माध्यम से, लेकिन यदि अपने पेट को भरना हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपना पेट तो महाराज कुत्ता भी भर लेता है, इंसान वही है जो स्वयं का पेट तो भरे ही, लेकिन कम से कम 10-20 जीवों का पेट भरने की हिम्मत रखने वाला हो, दिल रखने वाला हो, वही वास्तव में इंसान होता है, वही वास्तव में महापुरुष होता है। तो आज नैमिषारण्य में रहने वाले उन 88,000 ऋषि मुनियों के हृदय में जब ऐसा भाव जागृत हुआ तो महाराज भगवान ने बड़ी कृपा करी। देखो, हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं हो रही है। तो देखो मैया, आपको आज हम एक बात बताएं। देखो भैया, ध्यान दे करके सुनो, जिन्हें भगवान की कृपा चाहिए, जिन्हें भगवान की दया चाहिए, वो कान खोल करके सुनो, ध्यान लगा करके सुनो। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही या नहीं मिल रही, यदि कृपा चाहिए तो सुनो। कबहू कि कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही।
परहित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछो नाही। दूसरे के कल्याण की भावना, दूसरे के उद्धार की भावना, दूसरे की मदद की भावना, दूसरे को सहारा देने की भावना जिस दिन हमारे हृदय में आ जाती है, समझ लेना उसी दिन से भगवान की कृपा भी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन महाराज क्या करें, कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने खूब मेहनत करके, खूब पुरुषार्थ परिश्रम करके बढ़िया रबड़ी सी खीर मिलाई और नेक मौका मिला सो ही मुट्ठी भर के नमक लाए और डाल करके चले गए। तो उसने बेचारे ने दो चार दिन से दूध पका पका के, काजू बादाम डाल डाल करके, इलायची और चीनी डाल के बढ़िया रबड़ी सी खीर मिलाई और कोई दुर्जन आया, दुष्ट आया, उसमें मुट्ठी भर नमक डाल के चला गया। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, और यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा करने वालों को सजा भी मिलती है, भगवान की कृपा की अनुभूति या भगवान की अनुभूति या भगवान के धाम की प्राप्ति उन्हें कभी भी संभव नहीं होती। तो परहित बस जिनके मन माही, दूसरे के कल्याण की भावना, दूसरे को सहारा देने की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में होनी चाहिए। यदि कोई पहाड़ चढ़ रहा है तो हम उसकी टांग पकड़ के नीचे न खींचें, अपितु हम उसे थोड़ा सहारा दें। यदि कोई अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से गाड़ी ले आया है तो हम उसका उत्साह वर्धन करें। यदि कोई अपनी मेहनत से बढ़िया घर मकान दुकान बना लिया है तो हम उसकी वाह वाह करें, उसका उत्साह वर्धन करें। यदि कोई अपनी मेहनत से करोड़ों रुपए कमा लिया है तो उसका भी हम उत्साह वर्धन करें। हमेशा हमें एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। यदि ऐसा हमारे आचरण में आ जाए तो निश्चित ही हमारे जीवन में भगवान की कृपा की अनुभूति हमें होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि अब हमारे हृदय से राग और द्वेष मिट गया है, और जब तक ये राग द्वेष मिटेगा नहीं तब तक भगवान की कृपा की अनुभूति हमें होगी नहीं। लेकिन महाराज क्या करें, हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं, हमारे आचरण में, हमारे जीवन में हमारी ऐसी आदत है कि हमारी एक आंख फूटे तो अभाल फूट जाए, लेकिन हमारे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, तो जाके हमें फिर तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी। हमारी एक टांग टूटे तो अभाल टूट जाए, नेक देरम टूट जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारे सामने वाले की, हमारे अगल बगल वाले की तो दोनों टांगे टूटनी चाहिए, तब जाके हमें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। तो ऐसी भावना जब तक हमारे हृदय में भरी पड़ी रहेगी एक दूसरे के प्रति, तो कैसे भगवान की कृपा होगी, कैसे भगवान की अनुभूति या भगवान के धाम की प्राप्ति होगी? भैया संभव नहीं है। यदि भगवान की कृपा चाहिए तो फिर तुम्हें अपनी भावना को बदलना होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो देखो आज नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के हृदय में नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत नैमिषे निमिषः क्षेत्रे ऋषयः सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। इन 88,000 ऋषि मुनियों का हजारों वर्ष तक चलने वाला सत्संग सत्र चल रहा है और विचार हो रहा है कि कोई महापुरुष आ जाए और हमें भगवान की कथा सुनाए तो हमारा भी कल्याण हो और सारे विश्व का भी मंगल हो। तो सारे विश्व के मंगल की भावना भगवान ने देखी तो भगवान ने बड़ी कृपा करी और भगवान ने श्री सूत जी महाराज को भेज दिया। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य में आकर के श्री सूत जी महाराज ने देखा कि भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज का वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज को बड़ी लज्जा आई, बड़ा संकोच हुआ, बड़ी शर्म आई। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि नाय नाय महाराज, ऐसी कोई बात ना है, आप चिंता न करो, क्योंकि संसार में धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। संसार में कोई थोड़ा सा धन में बड़ा होता है, संसार में कोई थोड़ा सा बल में बड़ा होता है, संसार में कोई थोड़ा सा आयु में बड़ा होता है, लेकिन संसार में सबसे बड़े तो केवल वही होते हैं जो भगवान को प्रेम करने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले या भगवान की कथा कराने वाले होते हैं, वही वास्तव में संसार में सबसे बड़े होते हैं। तो श्री सूत जी महाराज को समझाया, अरे महाराज आप चिंता न करो, आप संकोच न करो, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। आप चिंता न करो, संसार में यदि किसी को चिंता मणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो वो उससे अपने जीवन की सारी चिंताओं का हरण कर सकता है या कर लेता है, और केवल सांसारिक ही नहीं अपितु सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग में भी जाकर के स्वर्ग की संपदा को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन महाराज ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति। लेकिन फिर भी उसे संसार में तो आखिरकार पुण्यों का भोग भोगने के बाद आना ही पड़ता है। तो यदि आपको चिंता मणि प्राप्त भी हो जाए तो उस चिंता मणि से तुम्हें भगवान की अनुभूति या प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो महाराज फिर ऐसा कैसे होगा, भगवान की अनुभूति या भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो महापुरुष बता रहे हैं, महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब तक हमारी संत महापुरुषों के चरणों में प्रीति नहीं होगी, जब तक हमारी हमारे गुरुजनों के महापुरुषों के चरणों में रति मति गति प्रीति प्रेम नहीं होगा,
तब तक महाराज तुम्हें भगवान की अनुभूति या भगवान के धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। तो महाराज आपसे निवेदन है, आप हमें भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण कराएं, आप हमें भगवान की कथा सुनाएं। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हें भगवान की कथा तो सुनाएंगे ही, लेकिन कोई भी कार्य करो संसार में तो सबसे पहले हमें हमारे श्री गुरु महाराज का वंदन कर लेना चाहिए, हमें हमारे श्री गुरु महाराज का स्मरण कर लेना चाहिए। तो आइए हम भी एक भाव के माध्यम से, हिंदी और पंजाबी दोनों ही भाषाओं से मिश्रित है ये भाव, लेकिन गुरुजी के चरण कमलों में इस भाव को हम प्रस्तुत करें तो बड़ा आनंद आएगा और गुरु कृपा भी हमें मिलेगी। साउंड वाले को
पुरन फेरा पाया है। आज दिन बड़ भागी आया है मेरे पुरान फेरा पाया है। आज दिन बड़ भागी आया है मेरे पुरन फेरा पाया है। गुरु जी बने आवन दीरावाच फुल बरसावांगे। मैनू खुशी गुरु जी तुहाडे आवन दीरावाच फुल बरसावांगे। मैनू खुशी गुरु जी तुहाडे आवन दीरावाच फुल बरसावांगे। मोल में की पवारा वाविच फुल बरसावांगे। मैनू खुशी गुरु जी तुहाडे आवन दीरावाच फुल बरसावांगे। मैनू खुशी गुरु जी तुहाडे आवन दीरावाच फुल बरसावांगे। मैनू खुशी गुरु जी तुहाडे आवन दीरावाच फुल बरसावांगे। विच में बसावांगे। तेरा दिला खावांगे तेनू दिल दे विच में बसावांगे। असी तेरा दिता खावांगे तेनू दिल दे विच में बसावांगे। असी तेरा दिला
बसावा में तेरा लख लख शुकर मनावा मेरा बाविच फूल बरसावा के तेरा लख लख शुकर मनावा मेरा बाविच फूल बरसावा में तेरा लख लख शुकर मनावा मेरा बाविच फूल बरसावा में तेरा लख लख शुकर मनावा मेरा मैनू खुशी गुरु जी तुआड़े आवण दी रावा विच फुल बरसावांगे मैनू खुशी गुरु जी तुआड़े आवण दी रावा विच फुल बरसावांगे रावा विच फुल बरसावांगे रावा विच फुल बरसावांगे बरसावांगे। देखो इसका भाव ये है कि हे गुरु महाराज, हे गुरु जी, आप हमारे पिंड में आए, आप हमारे गांव में आए, आप हमारे नगर में आए, राजा खेड़ा में आए, आप जो है जा रहे गांव में आए, भगवान की कथा करने के लिए आए, तो आपके आने से हमें बड़ी खुशी मिली, बड़ी प्रसन्नता मिली, और हम जो है तन से मन से धन से हर तरह से हृदय के शुद्ध भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान की कथा का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी होता है। जो हमें भगवान की कथा का दान करता है उसे हम सारी दुनिया की संपत्ति का दान करके भी उसके दान से हम उऋण नहीं हो सकते,
क्योंकि भगवान की कथा का दान जो है संसार में सबसे बड़ा दान है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो संत महापुरुषों ने नेमी सारण्य में बैठे हुए उन 88,000 ऋषि मुनियों ने जब ऐसी प्रार्थना करी तो श्री सूत जी महाराज मान गए, श्री सूत जी महाराज रीझ गए। और श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। देखो जो जो बच्चे पीछे बैठे ना, वो थोड़ा आगे आ जाएं। बेटा अलग अलग क्यों बैठे, थोड़ा आगे आ जाएं, आगे पंखे भी चल रहे हैं, और थोड़ा आगे आकर के सब इकट्ठे होके बैठो। अब चार चार इधर उधर अच्छे नहीं लगते, एक साथ बैठ करके खाओ, एक साथ बैठ करके कथा सुनो, और एक साथ जो है खूब बढ़िया नाचो झूमो गाओ आनंद मनाओ, यही मानव जीवन का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि सावधान तया श्रणु। देखो सोनकादि ऋषियों, हम आपको भगवान की कथा तो सुनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि आपको भगवान की कथा सावधान होकर के सुननी चाहिए। सावधान होकर के क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि यदि असावधान होकर के सुनोगे तो व्यास जी महाराज ने कब कौन सा प्रसंग कहा, कौन सा श्लोक बोला, कौन सी व्याख्या या शब्दार्थ किया, ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। और जब पल्ले ही नहीं पड़ेगा, हमारी समझ में ही कथा नहीं आएगी, तो फिर हमें उतना आनंद भी नहीं आएगा और भगवान की अनुभूति भी नहीं होगी। इसलिए 3 घंटे कथा चले चाहे 4 घंटे कथा चले, हमें सावधान होकर के ही सुननी चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को सावधान कर दिया। भगवान राम ने भी मैया सबरी को सावधान किया था, नवधा भगत कहो तो हे पाही, सावधान सुनो धारो मन माही। भगवान राम ने भी नवधा भक्ति का जब उपदेश प्रदान किया तो मैया सबरी को सावधान कर दिया। इधर सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को सावधान कर दिया, और हम भी यहाँ जा रहे गांव में कथा करते हुए आप सभी माता बहन भाई बंधुओं को सावधान कर रहे हैं। तो देखो सावधान करने के बाद संसार का असली ज्ञान कराया। संसार का असली ज्ञान क्या है बाबूजी? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो देखो यही संसार का वास्तविक ज्ञान है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। यदि हमें ये ज्ञान रहेगा कि बेटा ये जो तू अनेकों प्रकार के गलत कार्य करके धोखाधड़ी करके बेईमानी करके फ्रॉडगिरी करके ये जो करोड़ों माया तू जोड़ रहा है, ये हजारों बीघा या फिर हजारों वर्ग गज ये जो भूमि तू खरीद रहा है,
बेटा ये सब तुझे यही छोड़ करके जानी है तो क्या करेगा, क्योंकि ये तेरे साथ जाने वाली नहीं है, न रुपया पैसा जाने वाला है और ना ही जमीन जायदाद जाने वाली है, तो फिर क्यों किसी के साथ धोखाधड़ी करनी, क्यों किसी के साथ छल कपट दंभ पाखंड करना। यदि ईमानदारी से भगवान हमें खूब भूमि दे रहा है, यदि ईमानदारी से भगवान हमें खूब धन दे रहा है तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भैया धन के लिए हम यदि किसी का गला काटना पड़े तो वो भी मंजूर है, ऐसी सोच या ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो धन कमाने के लिए, जमीन कमाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान ये है कि तुम जो कमा रहे हो या संचय कर रहे हो या इकट्ठा कर रहे हो, बेटा एक दिन सब छोड़ करके तुम्हें यहीं जाना है, तो फिर क्यों इतनी मारा मारी कर रहे हो भाई। तो देखो जब तुम्हें इस असली ज्ञान का पता लगेगा कि काल व्याल मुख ग्रास, इस संसार रूपी काल के व्याल माने अजगर सांप के मुंह में आप बैठे हुए हो, आप केवल तभी तक जीवित हो जब तक अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता, जैसे ही मुख बंद करेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और फिर तुम्हारे एक एक कर्म का लेखा जोखा हिसाब किताब होगा। तो भाई फिर हम ये अनेकों प्रकार के गलत कार्य क्यों करें, अरे मेहनत करें, ईमानदारी से पुरुषार्थ करें और खूब लाखों करोड़ों कमाएं, खुद भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं, ये है पुरुषार्थ, ये है मानव जीवन। तो श्री सूत जी महाराज ने मानव जीवन का सही ज्ञान कराया और सही ज्ञान कराने के बाद फिर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं भैया भगवान का थोड़ा ध्यान कर ले, भगवान का थोड़ा चिंतन कर ले। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज ने भगवान के स्वरूप को भी हमें समझाया, दिव्य दर्शन कराया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया। कैसे हैं भगवान? भगवान सत घन है, भगवान चिद घन है, भगवान आनंद घन है, और यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सत चित आनंद ये तीनों शब्द अलग हैं। सत माने क्या है महाराज? तो सत माने है सत्य। कौन सा सत्य? त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जो सत्य है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा क्या है? ऐसा तो केवल भगवान है या भगवान की कथा है। और महाराज संसार में ऐसा कुछ नहीं है, तो भैया आप विचार कर लो,
100-200 साल पहले, 500 साल पहले जो घर मकान, जो महल बंगले गाड़ी, या जो वस्त्र, जो आभूषण, या खाने पीने की जो सामग्री थी, वो आज नहीं है। और आज जो महल बंगले गाड़ी वस्त्राभूषण खाद्य पदार्थ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो आने वाले समय में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि संसार में कुछ भी तीनों कालों में टिकाऊ नहीं है, सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। तीन काल कौन कौन से महाराज, हम तो जानते ना है, हमें बताए दे। तो तीन काल है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, धोताएं है, दोपहरी है और सांझ है। ये तीन काल है महाराज। अब तीन कालों में तो केवल और केवल भगवान या भगवान की कथा ही विराजमान रहती है, भगवान की ही सत्ता रहती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सत्य भी भगवान है। चित क्या है? तो चित माने है प्रकाश। तो देखो, एक तो होता है सांसारिक आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश, बनावटी बनाया जाने वाला प्रकाश, और दूसरा प्रकाश है स्वयं श्रीमन नारायण ही आकाश मंडल में है। प्रातः काल जब उदय होते हैं तो रात्रि का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है। तो ये क्या है? ये श्रीमन नारायण माने भगवद रूपी प्रकाश से संसार भर जाता है। और प्रत्येक जीव के हृदय में ये जो भगवान का अंश है, ये जो चेतना है, बोलने की, खाने की, पीने की, सुनने की, लेटने की, उठने की, बैठने की, चलने की, या कुछ भी करने की, ये जो चेतना हमारे अंदर है, ये भी चित है। तो भैया, ये चित कोई और नहीं, ये स्वयं भगवान गोविंद है। तो सत भी भगवान है और चित भी भगवान है। तीसरी बात आती है आनंद की। तो ये आनंद कौन है भाई, कहां से आता है? तो देखो भैया, आनंद की परिभाषा कहीं वेद शास्त्र पुराणों में तुम्हें नहीं मिलेगी। आनंद तो हमारी प्राइवेट अनुभूति का विषय है। आप रास्ता चल रहे हैं या मान लो बैठे हैं, अब अचानक से पीछे से तुम्हारे सिर में किसी ने पत्थर मार दिया या डंडा मार दिया, तो डंडा लगने से या पत्थर लगने से तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, इसकी अनुभूति तुम स्वयं ही कर सकते हो, किसी दूसरे को नहीं पता है। क्योंकि को कहा जाने पीर पराई। तो भैया, दूसरा हमारी पीड़ा को नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता। हमारे जीवन में कितना दुख है, ये हम ही अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में, जीवन में कितना दर्द है, ये हम ही अनुभव करते हैं। तो जैसे दर्द का हम लोग अनुभव करते हैं, ऐसे ही आनंद का भी हम लोग अनुभव करते हैं। जब जब हमारे जीवन में जिस जिस क्षण, जिस जिस पल आनंद प्रकट होता है, आनंद की अनुभूति हमें हो जाती है, आनंद की झलक हमें मिल जाती है, तो सत भी भगवान है, चित भी भगवान है, और आनंद भी कोई और नहीं, आनंद भी भगवान है। त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। तो तीनों काल में केवल और केवल भगवान की ही सत्ता है। और कैसे हैं भगवान? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सारे संसार की उत्पत्ति का एकमात्र हेतु भगवान है और सारे संसार को पालन पोषण करने वाले, चलाने वाले भी भगवान है। सारे संसार को मिटाने वाले भी भगवान है। जब समय आता है तो संहार भी भगवान ही करते हैं।
तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और कैसे हैं भगवान? तो बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। संसार में तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हम नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भैया संसार में ये तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप सर्दी खांसी जुखाम बुखार या शारीरिक रोग, ये सब दैहिक ताप है। दैविक ताप आप हर साल देखते ही हैं, किसान की फसल बर्बाद हो जाना, ये सब क्या है? ये दैविक ताप है। हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, ये दैविक ताप है। भौतिक ताप क्या है? यार इसके पास बहुत रुपया है, अब हमें भी रुपया कमाना है, अब चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं, तो रोज उसे देख देख करके दुखी हो रहे हैं, ये भौतिक ताप है। ये बहुत बढ़िया कपड़े पहनता है, हमें भी पहनने हैं लेकिन पहन नहीं पा रहे हैं, तो उसे देख करके जो दुख होता है अंदर ही अंदर, जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, ये भौतिक ताप है। ये बहुत बढ़िया साड़ी पहनने वाली है, हमें भी बढ़िया साड़ी पहननी है लेकिन पहन नहीं पा रही है, तो उसे देख करके दुखी हो रही है, ये भौतिक ताप है। तो देखो इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवान में है या भगवान की कथा में है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे भगवान को, ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे गोविंद को श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को हम बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है या क्या हाल है। तो भगवान को प्रणाम करते हुए हम लोग इस भाव का श्रवण करें। चरणों में सर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि मुलाकात है। मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है। मुरली वाले
वाले के चरणों में सिर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सिर हो मेरा, फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है, फिर कैसी मुलाकात है, फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है, चरणों में सर हो मेरा। भाई ये सीटी बंद करो यार, सीटी नहीं आनी चाहिए। मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है, चरणों में सर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है, फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है। अगर आली दरबार की
ये खुदाई भी है बादशाही भी है। ओ गुलामी अगर आनी दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। ओ गुलामी अगर आनी दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। ओ गुलामी अगर आनी दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। दासी दर की भिखारिन बनी रे मोहन, दासी दर की भिखारिन बनी रे मोहन, दासी दर की भिखारिन बनी रे मोहन, दासी दर की भिखारिन बनी रे मोहन। इससे पढ़कर बताओ कि क्या बात है, सर हो मेरा फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है। जब से डाला है डेरा उसके द्वार पर, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। तो देखो भगवान की कथा में, भगवान के द्वार पर हमें जो आनंद आता है उसकी अनुभूति हम स्वयं ही करते हैं। तो आज श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः, पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनं तद्वदाधुना। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भैया ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित ने अपना राजपाट त्याग दिया, अपने सबसे बड़े बेटे जन्मेजय को राज्याभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया और सारी दुनिया छोड़ करके राजा परीक्षित केवल लोटा लंगोटा और सोटा ये तीन चीजें लेकर के मां भगवती गंगा के परम पावन तट शुक्र ताल में जाकर के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बैठ गए। सारी दुनिया को पता लगा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता लगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, साधु संत महात्मा आए,
बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु आए, बड़े बड़े मुनीन्द्र योगींद्र आए। राजा का केवल सभी से एक ही सवाल है। क्या सवाल है? कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, किं कर्तव्यं म्रियमाणस्य? जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? अब कौन कह सकता है कि भैया हम ज्यादा दिना बाद मरेंगे, या हम 10 साल बाद मरेंगे, या हम 50 या 100 साल बाद मरेंगे? अभी जो बढ़िया खा रहे थे, बढ़िया पी रहे थे, बढ़िया गा रहे थे, अभी रास्ता चलते चलते महाराज नेक चक्कर आए, गिर पड़े, उठा करके हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टर ने कह दिया महाराज ये तो पधार गए, ये तो चले गए। अरे महाराज ऐसे कैसे हो सकता, इन्हें तो कोई बीमारी ही नहीं थी और उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 40-45 वर्ष की उम्र है। अरे इन्हें महाराज अचानक से क्या हो गया, ऐसे कैसे चले जाएंगे हमें छोड़ के? अरे भैया ये तो पधार गए, ये तो चले गए, क्या हुआ? बोले इन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो देखो आजकल संसार में न हमारा भरोसा है, न तुम्हारा भरोसा है, और ना ही किसी और तीसरे का भरोसा है। इस दुनिया से कोई भी कभी भी जा सकता है। ये तो राजा को पता है कि अब हमें 7 दिन कोई नहीं मार सकता। राजा के पास तो गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि एक ऋषि कुमार का भले उसे आप श्राप समझो या आशीर्वाद समझो, यदि यमराज भी 7 दिन से पहले राजा को ले जाना चाहें तो यमराज की भी क्षमता या ताकत नहीं कि राजा परीक्षित को ले जाएं। तो भैया हमारी तुम्हारी तो कोई गारंटी नहीं। अभी ठीक है, खूब बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं, लेकिन अगली कल हम आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है। केवल एक विश्वास है कि हाँ ठीक है मिलेंगे, अब सो गए हैं तो कल हम जगेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। तो राजा परीक्षित ने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान से और सारे ऋषि मुनियों से जो सवाल किया है, वो केवल राजा का सवाल नहीं, वो हमारा और तुम्हारा सवाल है कि महाराज हमारे पास समय बहुत कम है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, समय कम है, तो जल्दी से कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हमारे कल्याण का मार्ग महाराज प्रशस्त हो जाए। तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान जैसे ही राजा को कथा सुनाने लगे, जैसे ही उपाय बताने लगे, इतनी देर में तो महाराज सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृतम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अरे आओ आओ भैया आओ, कौन आ गया? देवता आ गए, ब्रह्मादि देवता आ गए, इंद्रादि देवता आ गए। बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहजता सरलता से भगवान के चरणों में, श्री सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने कहा आओ भैया बैठो, भगवान की कथा सुनो। लेकिन देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज,
हम कथा तो सुनेंगे पर ऐसे कथा नहीं सुनेंगे। बोले कैसे सुनोगे? बोले ये ऋषि मुनियों को यहाँ से हटाओ, ये राजा को भी यहाँ से हटाओ, हम अकेले बैठ करके कथा सुनेंगे। तो श्री सुखदेव जी ने समझाया, बोले भैया तुम अकेले कथा सुनोगे तो ठीक है सुन लेना, लेकिन ये कथा तो राजा परीक्षित के माध्यम से हो रही है, और जब तुम्हें कथा करानी हो तो हमें स्वर्ग में बुला लेना, ब्रह्मलोक में बुला लेना, हम वहां भी कथा करने आ जाएंगे। लेकिन महाराज ये तो राजा की कथा है, राजा के माध्यम से हो रही है, तो राजा को तो हम नहीं हटा सकते, और केवल राजा को ही क्या, हम यहाँ से किसी को भी नहीं हटा सकते, क्योंकि भगवान की कथा कहीं हो रही हो तो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी योनि का हो, नर हो, नारी हो, कीट हो, पतंगा हो, पशु हो, पक्षी हो, वेद में भले ही भेद कर दिया गया है लेकिन भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है। भगवान की कथा कोई भी सुन सकता है, भगवान की कथा सुनने का सभी को अधिकार प्राप्त है। तो महाराज यहां से कोई नहीं जाएगा। अरे बोले हम देवता हैं महाराज, हम ये मानवों के साथ नहीं बैठ सकते, हमारी नहीं जमेगी। तो बोले ठीक है तुम लोग बाद में आ जाओ। बोले बाद में नहीं महाराज, हम यहीं अभी कथा सुनेंगे, और तुम शायद समझ रहे हो कि हम तो वैसे ही खाली पीली ही वैसे ही भूखे नंगे भटक रहे हैं, या वैसे ही फ्री फंड वाले हैं। तो महाराज हम फ्री फंड वाले नहीं हैं, ये राजा आपको कथा करने के एवज में क्या देगा? ज्यादा से ज्यादा एक आध बोरी सोना चांदी दे देगा, हीरे जवाहरात दे देगा, लेकिन महाराज हम जो लेकर के आए हैं उसे देख करके तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि सुधा कुंभम जो दुनिया की सबसे बेस कीमती वस्तु है वो है स्वर्ग में रखा हुआ अमृत। तो महाराज हम तो आपको पिलाने के लिए, आपको दान करने के लिए, या आपको दक्षिणा देने के लिए अमृत का ही कलश लेकर के चले आए हैं। अब आप इस कलश को स्वीकार करिए और हमें कथा सुनाइए। लेकिन गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को चालाक समझा, देवताओं को ठग समझा, इसलिए देवताओं को डांट लगाई, फटकार लगाई। अरे मूर्ख देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार यैवं तदा देवांज हासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। क्या हमें पागल समझ रखा है कि बाबा जी ऐसे ही अनपढ़ डोल रहे हैं, बाबा जी वैसे ही फ्री फंड वाले डोल रहे हैं, बाबा जी वैसे ही भूखे नंगे ऐसे ही डोल रहे हैं? सो ही देवताओं की महाराज हवा टाइट हो गई, देवता समझ गए कि ये कोई साधारण बाबा जी नहीं है, ये तो पहुंचे हुए महाराज हैं, अब यहाँ से खिसकने में चलने में ही भलाई है, नहीं तो महाराज कहीं बाबा जी ने कोई श्राप दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि संतों का यदि आशीर्वाद तुम्हें लगता है तो संतों के हृदय की हाय, संतों का श्राप भी तुम्हें लगता है, इसलिए हमें कभी भी किसी संत का अपराध नहीं करना चाहिए। संत का अपराध करने वाले को संत तो क्षमादान दे देते हैं,
लेकिन भगवान कभी माफ नहीं करते, ऐसे इतने प्रसंग हैं भागवत में भी हैं और भी अनेकों धार्मिक ग्रंथों में हैं कि जिन्होंने संतों का अपराध किया उन्हें संतों ने तो क्षमा कर दिया लेकिन भगवान ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान अपने आप से भी ज्यादा संतों से प्रेम करते हैं, अपने आप से भी ज्यादा अहमियत भगवान संतों की समझते हैं। इसीलिए तो कहा है कि मोते अधिक संत कर लेखा, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। तो याद रखो, कभी भी हमें संत का अपराध नहीं करना चाहिए। अरे सेवा नहीं कर पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कहीं रास्ते में मिल जाए, कभी आमना सामना हो जाए तो भैया हाथ जोड़ के दूर से राम राम कर लो। राम राम करने में भी तुम्हारी मैया मर रही है तो कहीं साइड से होकर के निकल जाओ ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि संत से जाकर के हमें उलझना है या उल्टा सीधा बकवास करनी है या उन्हें अपना आक्रोश दिखाना है, क्रोध दिखाना है कि हम बड़े फत्ते खां हैं, हम बड़े महाबली हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी और बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो संत की कभी भी हाय नहीं लेनी चाहिए। संत की हाय लग जाती है, संत का आशीर्वाद भी लग जाता है और उसका श्राप भी लग जाता है। तो देवताओं को डर हुआ, देवता लोग भागने लगे, भागते भागते सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपने दंड कमंडल पटक दिए, बोले महाराज हमें नाए करनी तुम्हारी नौकरी। अरे का फायदा है ऐसी नौकरी में महाराज, हमारी तो कोई इज्जत ही ना है, हमारा तो कोई मान नहीं सम्मान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया बात बताओ का भयो, अरे कछु बताओ तो सही। देवताओं ने कहा कि कहा भयो, अरे कहा बताएं, देखो ना वो सुखदेव नाम के बाबा जी भगवान की कथा कर रहे हैं, हम भी गए थे उनकी कथा सुनने, लेकिन महाराज उन्होंने तो हमारा बड़ा अपमान किया, उन्होंने तो हमारी बड़ी बेइज्जती करी, बड़ा डांटा फटकारा महाराज, पता नहीं क्या समझ रखा है भागवत की कथा को उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भैया नेक धीरज तो धरो, नेक सबर तो करो, देख लेते। अब एक दिन की कथा तो लगभग हो ही गई, अब कितने दिन बचे? अब केवल 6 दिन बचे हैं, तो एक एक दिन करके 6 दिन और देख लेते हैं, फिर पता ही लग जाएगा कि जिस कथा के ऊपर ये बाबा जी इतने भूल रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत भी इन्होंने ठुकरा दिया, तो आखिरकार इनकी कथा में कौन सा अमृत है देख लेते। तो देखो भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहो आवत नाही। ऋषि मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं, तपस्या करते हैं, किस लिए? ताकि जब हम यहां से जाएं तो अंत में हमें भगवान की याद आ जाए, अंत में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाए। लेकिन नहीं आता है, इसलिए फिर दोबारा मानव जीवन धारण करना पड़ता है, फिर भजन करना पड़ता है, फिर अंत में और कोई चिंतन हो जाता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्र में जो है सारी दुनिया घूमती रहती है, लेकिन अंतराम कहो आवत नाही। तो देखो देवता लोग ब्रह्मा जी और सभी बड़े बड़े यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध इंद्र लोक में ब्रह्म लोक में खड़े होकर के देख रहे,
माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। श्री सुखदेव भगवान स्वयं जो कि साक्षात श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण की कथा तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, बाकी कोई हमारे या तुम्हारे जैसा कर जाए ये संभव नहीं है। तो भगवान की कथा केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो सुखदेव भगवान कथा का रस वितरण कर रहे हैं और शुक्र ताल में आज आनंद हो रहा है। राजा परीक्षित गदगद हो रहे हैं। एक 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 दिन करके कथा होती चली गई और जैसे ही महाराज आज सातवें दिन की कथा का विश्राम हुआ, सो ही भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद दिव्य विमान लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो देखो, राजा परीक्षित को श्रीमन नारायण भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ करके विमान में बिठाया, विमान में बिठा करके सुंदर स्वागत सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया, सुंदर आरती उतारी, मोर पंख से झाड़ा किया और ले करके भगवान के धाम में पधारे। यही सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो आज ब्रह्मा जी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि केवल सात दिन कथा सुन लेने मात्र से राजा की मुक्ति कैसे संभव हो गई। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विभिस्मितः सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई, तराजू मंगा करके तोला। एक पल्ले में भागवत जी विराजमान हैं, दूसरे पल्ले में एक वेद और फिर दो तीन चार वेद, छह शास्त्र, सत्रह पुराण, गीता रामायण सब धार्मिक ग्रंथ रख दिए। लेकिन महाराज जिस तराजू के जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत जी विराजमान है वो पल्ला टच से मच नहीं हुआ। आज ब्रह्मा जी का भी मोह भंग हो गया, ब्रह्मा जी भी समझ गए, क्योंकि लघुन्यन्यान जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम् परमम् ययुः। आज ब्रह्मा जी भी समझ गए कि इस संसार में मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, इस कली काल में जीव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला या मुक्ति देने वाला या मंगल करने वाला सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ यदि कोई साधन है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है, केवल केवल गोविंद की कथा है। इसके अलावा और कोई साधन आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। सारे ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी मोहर लगा के साइन कर दिए, ब्रह्मा जी ने भी उद्घोष कर दिया कि श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम् भवसागरे। तो भैया आज प्रथम दिवस की कथा है। अब कथा तो और भी है
लेकिन आज हम आपको ज्यादा नहीं खींचेंगे और अपने आप को भी ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो कल से जो है विधिवत नित्य प्रातः काल पूजन होगा यजमानों के द्वारा, और फिर कथा का जो समय है, कौन सा समय उचित रहेगा वो आप हमें बताएं, फिर उसी हिसाब से समय रखा जाएगा। हाँ जी, कौन सा समय उचित रहेगा कथा का? 12 से 5। तो देखो, कल से कथा का जो समय है वो है 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक। नित्य प्रति 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक कथा चलेगी। तो आप सभी माता बहन भाई बंधु ठीक 1 बजे कथा पांडाल में आ जाया करेंगे, हमारे संगीतज्ञ भी आ जाएंगे और आपको सुंदर एकाध भजन सुनाएंगे, और थोड़ी देर में ही हम भी आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी कथा का शुभारंभ हो जाया करेगा। तो 1 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी नित्य प्रति, हम सब लोग उसका आनंद लेंगे। लेकिन अभी आपको ऐसे थोड़े ही छोड़ देंगे, आज हम अभी भले ही कथा विश्राम की ओर है, लेकिन अभी आपको हम खूब आनंद दे करके ही यहां से विदा करेंगे। नशा दौलत का हो या शोहरत का हो, हर व्यक्ति को चूर कर देता है। नशा दौलत का हो या शोहरत का हो, हर व्यक्ति को चूर कर देता है। और यही नशा यदि मेरे गोविंद की कथा का हो, भगवान की भक्ति या प्रेम का हो, तो सारे संसार में उसे मशहूर कर देता है। सारे संसार में मशहूर कर देता है। संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया, तो कोई किसी की मदमस्त चाल पर मर गया, तो कोई किसी के गोरे गाल पर मर गया, तो कोई किसी के काले बाल पर मर गया, और कोई किसी के सांसारिक माल पर मर गया। लेकिन श्रीधाम वृंदावन से आए हुए महापुरुष कहते हैं, भैया जिंदा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के लाल पर मर गया, मेरे नंद के लाल पर मर गया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए हम सब लोग खूब आनंद लेते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए और भगवान की दिव्य झांकी का भी दर्शन करेंगे। हमारे मध्य में नित्य भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां कथा के विश्राम से पहले रोज हमें दर्शन कराई जाया करेंगी। और अब जो है हम भोले बाबा से और हमारे बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि आजा मेरे बाबा हमारे कीर्तन में। तो जो भी माता बहन भाई बंधु, शर्म नहीं करनी, संसार में तो हम नाचते ही रहते हैं, तो भगवान के भजन में नाचने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि जिसने करी शर्म बाके भूटे कर्म। तो हमें कर्म नहीं छोड़ने, कोई भी भाई बंधु माता बहन सब खूब नाचे झूमे गाए आनंद मनाए। और जिन माता बहनों को ठाकुर जी के दर्शन करने हैं वो अपने स्थान से उठ के आएंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी की नजर उतारेंगे,
ठाकुर जी की कुछ न्योछावर उतारेंगे और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो देखो हमारे मध्य में कितनी सुंदर जोड़ी आ रही है, कितनी सुंदर छवि आ रही है। और ये छवि ऐसी है कि नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। तो जिन माता बहनों को दर्शन करने न्योछावर उतारनी है, हमारे ठाकुर जी की नजर उतारनी है, वो धीरे से उठ के आए, प्रणाम करें, नजर उतारें और फिर अपना जाके बैठ जाएं। सबसे पहले हमारे जो आयोजक हैं वो आए, ठाकुर जी को तिलक करें, प्रणाम करें, हमारी तरफ ध्यान रखा करो। आप लोग कहाँ देखते बेटा, भगवान को प्रणाम करो, पहले सारे काम छोड़ो, तिलक करो, प्रणाम करो। देखो आप लोगों को हमें ऐसा लग रहा है कि कथा वथा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम आए ना सिखाने के लिए। तो आप यदि हमारी तरफ ध्यान रखोगे और हम इशारा करेंगे कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, तो हमें विश्वास है कि तुम सब सीख जाओगे और तुम्हें पता लग जाएगा कि कथा 7 दिन कैसे होती है। और यदि तुम ध्यान ही नहीं रखोगे, हम तुम्हें देख देख के थक गए और तुम इधर उधर देख रहे हो, तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए 3 घंटे आप हमें देखो, हम तुम्हें देखें, और देखते ही देखते आपको सारी कथा का आनंद हम सिखा देंगे। हो नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे चलावे है ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। हरि नैनों के तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी। नैन के तीर चलावे करे ये करारी। आंखें इनकी कजरारी जिया चोट करे ये करारी। आंखें इनकी कजरारी जिया चोट करे ये करारी। आंखें इनकी कजरारी जिया चोट करे ये करारी। हरी मोहे घायल ये चपल नैन बनवारी।
मटकी फोड़े और बाह मेरी कुमरोड़े, माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी कुमरोड़े, माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी कुमरोड़े, ये तो माखन खूब लुटावे है ये चपल में नवारी, ये तो माखन खूब लुटावे है ये चपल में नवारी, नैनों के तीर चलावे है ये चपल में नवारी, नैनों के तीर चलावे बनवारी, चोरी और सीना चोरी यकी आदत बड़ी निगोरी, 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 मेरा जिया लूट ले जावे है ये चपल में नवारी, मेरा जिया लूट ले जावे है ये चपल में नवारी, नैनों के तीर चलावे है ये चपल में नवारी, नैनों के तीर चलावे चपल में नवारी, सुंदर श्याम सलोना, ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना, ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना, ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना, ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना, ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना, हम सब इनमें बलिहारी है ये चपल में नवारी, हम सब इनमें बलिहारी है ये चपल में नवारी, तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी, नैन के तीर चलावे है ये चपल नैन गिरधारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन 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 गिरधारी, नैनों के तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी, नैनों के तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी, नैनों के तीर चलावे है
देवरिया सरकार की। जय जय श्री राधेश। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, क्योंकि जय जय श्री राधे श्याम। तुरई बंद कर दे और डब्बे जला, डब्बे जय जय राधे, श्री राधे, श्री राधे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस में सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी लाला मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी लाला मेरो मन मोहे, या बंसी पे भले हरी में जाओ, आ जाने सबरिया तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने चरणों में शीश झुकाऊं, आगे बिहारी तेरी दास अनाथ की नातिया हो, दास अनाथ के नातिया हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि युगल छवि को मन में बसाओ, आगे बिहारी आरती गाओ, संग सोहे प्रसवान दुलारी, संग सोहे प्रसवान दुलारी,
वास सदा में वृंदावन पाओ आके बिहारी हरे ब्रज बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती तेरी आरती गाओ 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 बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ करपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम कुछ केंद्र हार सदा वसंत महदयान बिंद भव भवानी सहित नमाय त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव वर्णतो जसका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जलेनि शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनं आत्माभिवंदनं हरिओं जदनेन जन्नवाय जन्ददेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिओं हंस हंसाय विद्महे श्रीपरमहंसाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातकरवेलरसाल पुष्प विल्वाल प्रवाल तुलसीदलमाञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर ओं भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो वृंदावन वाके हरिलाल की गिरिराज जी महाराज की पवन सुत हनुमान की राधा रमण बिहारी लाल की राधा वल्लभ सरकार की।